नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 1 मई महाराष्ट्र दिन पर गोंडवाना राज्य संकल्प दिन मनाया गया तथा गोंडवाना राज्य का ध्वज लहराया गया। महाराष्ट्र राज्य दिन पर गोंडवाना राज्य की मांग के लिए नागपुर शहर के संस्थापक गोंड राजा भक्त बुलंद शाह उइके उर्फ महिपत सिंह उइके इनके पुतले का नर्मदा के जल से राजाभिषेक किया गया तथा गोंडवाना राज्य का ध्वज लहराया गया। शहर में मौजूद गोंडवाना के सभी पुतलों पर गोंडवाना राज्य का ध्वज लहराया गया। इसमें प्रमुख सीता बर्डी के क्रांतिकारी नारायण सिंह उइके पुतला, भैराम जी टाउन खदान में गोंडवाना चौक, फुटाला बिरसा मुंडा चौक, अंबाधरी टेकड़ी हिंगना संग्राम शाह पुतला और अन्य नेशनल गोंडवाना सोडूम संगठना की ओर से काफी सालों से गोंडवाना राज्य की मांग की जा रही। ये मांग कोई नई मांग न होकर सबसे पुरानी मांग है। गोंड राजाओं के साम्राज्य राजकाल में आज का मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और अन्य राज्य का काफी हिस्सा हुआ करता था। आजादी के पूर्व मध्य भारत ये गोंडवाना नाम से जाना जाता था। अंग्रेज के राज्य में यह प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बेरार के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जनजाति मूल निवासियों की मातृभाषा ये गोंडी थी, धर्म गोंडी था, जिसे आजादी के बाद 6 खंडों में अलग राज्यों में बांटकर अलग किया गया। नेशनल गोंडवाना सोडूम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायान घोड़ाम राजपोयाल की ओर से की गई संकल्प दिन में प्रमुख उपस्थिति नागपुर के संस्थापक भक्त बुलंद शाह के वर्तमान राजवंशज आदित्य शाह उइके, प्रमोद कौर थी धर्मपेट जोन सभापति श्याम धुर्वे, प्रफुल पिंदाम, अरविंद गेड़ाम, देवेंद्र ताराम, सुशांत धुर्वे, अजय मसराम, त्रिवेदी कुमारे, अनिल कोवे, पदाधिकारी कार्तिकेय सिंह घोड़ाम, विनोद मसराम, मुकेश गेड़ा, रोहित इरपाची तथा अन्य समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर में बड़े जोर शोरों से गोंडवाना राज्य संकल्प दिन मनाया गया था। 1 मई 1960 को विदर्भ के प्रदेश को महाराष्ट्र में जोड़ा गया। नागपुर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी था और ये सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बेरार के अंतर्गत आता था। ये जो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बेरार था, उस समय अंग्रेजों ने किया गया एक प्रदेश था जिसमें भारत के मूल निवासी लोग, इंडिजिनियस पीपल, वहाँ पे नेटिव वहाँ पे अपना रहवास करते थे। अब इसका जो इतिहास है, वो इतिहास अगर हम देखा जाए तो सम्राट अशोक के काल में 18 गणराज्य थे जिस पर सम्राट अशोक का आधिपत्य नहीं रहा है। ये 18 गणराज्य गोंडवाना के शासकों के अंतर्गत आते थे और ये जो 18 गणराज्य है, यही मध्य भारत के वो गढ़ है, वो अजिंक्यगढ़ है, जिसे ना कोई मुगल जीत पाए, ना जिसे कोई आर्य जीत पाए, ना जिसे कोई यूनानी जीत पाए, ये ऐसे गढ़ रहे। तो ये जो गोंडवाना के गढ़ है, आज भी जिस वो गढ़ सबूत है हमारे एक ऐतिहासिक धरोहर का, हमारे संस्कृति का और हमारे एक राज्यशाही पहचान का। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो 1857 का जो युद्ध हुआ, जिसमें वीर बापूराव शर्मा के जो चांदागढ़ के थे, जिन्होंने वो विद्रोह पुकारा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था लेकिन वो गोंडवाना राज्य के लिए विद्रोह था, वो भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए विद्रोह था। वीर बापूराव शर्मा का ये जो आंदोलन था 1857 में, जो एक क्रांति के रूप में काम किया, पूरे देश में, पूरे मध्य भारत में एक क्रांति की लहर फैली और जिस क्रांति की लहर ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके आगे देखा जाए तो 1917 में हर्रई में गोंड शासकों जमींदारों की एक बैठक हुई। उस बैठक में गोंडवाना राष्ट्र की मांग उठी। गोंडवाना राष्ट्र की मांग ये वो मांग थी जिसमें गोंड राजाओं के 258 रियासत जो भारत देश में सम्मिलित हुए, कुल 558 रियासत में से 258 रियासत जो थी गोंड शासकों की थी। तो ये जो शासकों की रियासत थी, प्रथम से इसकी मांग गोंडवाना राष्ट्रों को लेकर उठी। उसके बाद में 1927 में गोंदिया का आंदोलन, जिसमें राजा सिंहौरगढ़ राजा नाम सिंह द्वारा ये जो आगे बढ़ाया गया आंदोलन राष्ट्र का। इसके बाद में हम देखा जाए तो 1940 में 1939 में जो द्वितीय महायुद्ध आया, वो द्वितीय महायुद्ध के कारण कहीं ना कहीं गोंडवाना राष्ट्र की मांग पूरी नहीं हो सकी। ये जो गोंडवाना राष्ट्र की मांग थी जो पूरी नहीं हो सकी द्वितीय महायुद्ध के कारण, और आज़ादी के समय दिल्ली के रामलीला मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो राजाएं महाराजा जमींदारों की बैठक थी, जिसमें हमारा देश बनने वाला था, जिसमें
में एक रियासत बनने वाली थी, तो उसमें 565 जो जमींदार थे उसमें से 258 गोंडवाना के लोग थे जिन्होंने अपनी रियासत भारत में विलीन कर ली और इस देश को जन्म दिया। तो ये देश हमसे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कि ये शेड्यूल ट्राइब इस देश के मूल निवासी है, फिर भी इन लोगों को अपने ही राज्य में आज अल्पसंख्यक किया गया। विदर्भ के हर जिले में हमारे किले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, ये पूरा प्रदेश हमारे शासकों का रहा है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।